दोस्तों, क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम पर फुल रील्स वीडियो की जो है वो स्टोरी को लगाना चाहते हो? मान लो कि दोस्तों, कई बार आपको जो है वो 15 सेकंड से ऊपर या 20 सेकंड से ऊपर जो है वो कोई ऐसी रील्स पसंद आ जाती हैं जिसे आप जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐड करना चाहते हो। पर दोस्तों, होता क्या है, जब हम यहाँ से जो है वो रील्स वीडियो को जो है वो अपनी स्टोरी में ऐड करना चाहते हैं तो वो रील्स वीडियो जो है वो 15 सेकंड तक या 20 सेकंड तक ही जो है हमारी स्टोरी में लग पाती है। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि अगर आप अपने इंस्टाग्राम में जो है वो फुल रील्स वीडियो की स्टोरी लगाना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके बारे में जो है वो आपकी इंस्टाग्राम पर जो है वो फुल रील्स वीडियो की स्टोरी लग जाए, तो यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप 15 सेकंड या 20 सेकंड से ऊपर की स्टोरी को जो है वो फुल रील्स वीडियो की स्टोरी लगाना चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम में तो आप कैसे लगा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले अगर आपको कोई भी रील्स वीडियो पसंद आती है तो वो आपने जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। मान लो कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो है यहाँ से कोई भी रील्स वीडियो जो है वो 15 सेकंड से ऊपर या 30 सेकंड के ऊपर वाली स्टोरी जो है वो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर यही वाली वीडियो जो है वो 15 सेकंड से ऊपर है या 20 सेकंड से ऊपर है, तो मैं इस रील्स को जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं करूँगा क्या, मेरे को यहाँ पर नीचे की तरफ जो है वो 3 डॉट दिख रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा उसके बारे में मेरे को यहाँ पर दिखेगा कॉपी लिंक, तो मैं सिंपली से यहाँ पर कॉपी लिंक कर लूँगा। जैसे ही मैं कॉपी लिंक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर करने के बारे में मैंने कट कर देना है। कट करने के बारे में दोस्तों, फिर आपने करना क्या है, फिर आपने जाना है यहाँ पर गूगल वाले ऑप्शन में। दोस्तों, पहले पूरी वीडियो को देख लेना, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। उसके बारे में आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर सर्च करना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर, तो आपने ये लिखकर जो है वो सर्च कर देना है इंस्टाग्राम रील्स डाउनलोडर। जैसे ही आप ये लिखकर सर्च करोगे उसके बाद में दोस्तों, आपको यहाँ पर पहली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है डाउनलोड इंस्टाग्राम रील्स वीडियोस ऑनलाइन, तो आपने सिंपली से यहाँ पर पहले नंबर वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप पहले नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, आपने जिस रील्स वीडियो को जो है वो लिंक को कॉपी किया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, उस लिंक को पेस्ट करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर दिखेगा डाउनलोड वाला ऑप्शन, तो आपने यहाँ पर करना है क्लिक। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फिर आपको नीचे की तरफ जो है वो रील्स आपको दिखाई देगी जिस रील्स को जो है वो आपने जो है वो कॉपी लिंक किया था, तो आपने उस रील्स को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपको नीचे की तरफ दिखेगा डाउनलोड वीडियो, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर डाउनलोड वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर उसके बाद में आपने कर देना है डाउनलोड। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, वो रील्स वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आपने करना क्या है, उसके बाद में फिर से आपने अपने इंस्टाग्राम में जाना है। इंस्टाग्राम में जाने के बाद में फिर दोस्तों आपने करना क्या है, उसके बाद में दोस्तों आपने अपनी स्टोरी में जाना है। स्टोरी में जाने के बाद में दोस्तों, वो रील्स वीडियो जो है वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। उसके बाद में अगर वो रील्स जो है 15 सेकंड की हुई या 20 सेकंड की हुई या 30 सेकंड की हुई चाहे 1 मिनट की हुई, तो वो रील्स वीडियो जो है वो आपकी फुल रील्स वीडियो जो है वो गैलरी में सेव होगी। उसके बाद में आप जो है वो उस रील्स वीडियो को अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी जो आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।